जस्ट एड स्पाइसेज विद दीप्ति आज एक स्वीट रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। इसे कहा जाता है खरवास। बहुत से लोगों ने इसे खा रखा होगा, लेकिन जिन्होंने भी नहीं खाया है वो इजीली इसे घर पर बना सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ज़रूर जिन्होंने नहीं खाया है वो बना के देखिए। इसे बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसान है इसे बनाना और सिर्फ चार चीज़ों से ये बन जाती है। तो इसके लिए चाहिए दूध और दही जो मैंने हंकर्ड करके रखा है, साथ ही मिल्क पाउडर और साथ ही कंडेंस मिल्क चाहिए जो मैंने घर पर ही बनाया है। तो ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो हमारे घर पर आसानी से ना मिल सके। तो सबसे पहले एक बड़ी बोल के अंदर दूध डाला है, फिर हंकर्ड। यहाँ पर आप गाढ़ा दही भी ले सकते हैं, लेकिन दही पतला और खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दही बिल्कुल मीठा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। अगर खट्टा हुआ तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो मेरा दही में थोड़ा पानी ज़्यादा था तो मैंने इसे छान लिया है, तो इसे पानी पूरा निकल गया है। अब ये मैंने 750 ml दूध से बनाया हुआ है कंडेंस मिल्क। तो ये आप भी घर पे बना सकते हैं और चाहे तो आप मार्केट का ले सकते हैं। और सभी क्वांटिटी इक्वल ही लेनी है, सभी मैंने 3/4 cup के हिसाब से लिए हैं। तो ये 1/2 cup और ये 1/4 cup यानी 3/4 cup ही लिया है मिल्क पाउडर भी। तो सभी हमें इक्वल क्वांटिटी में लेना है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। दूध हमारा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल इसका एक डिफरेंट टेस्ट होता है जो आप सभी को अच्छा लगेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है इसमें कि इसमें दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कंटेनर में पोर करना है। तो आप चाहें तो किसी थाली वगैरह में भी पोर कर सकते हैं। मेरे पास एक केक टिन है तो मैंने आज इसी में इसे पोर किया है। और इसे कोई भी बना सकता है। इसे बनाने के लिए किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नापतोल नहीं है। सारी चीज़ों को एक ही क्वांटिटी में लेना है, यानी अगर 1/2 cup ले रहे हैं तो सभी चीज़ें 1/2 cup लेनी है, और अगर 3/4 ले रहे हैं, 1 cup ले रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग हमें लेना है। और जिस बर्तन में आप डाल रहे हैं, दूसरी बात ध्यान रखने की है कि वो आधा ही भरे, इससे ज़्यादा ना भरे, क्योंकि एक बार ये ओवन के ऊपर आएगा फिर वापस ही नीचे बैठ जाएगा। अब इसको गार्निश करना भी बिल्कुल आपकी चॉइस पे है। आप पिस्ता, काजू और किसी ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। चाहे आप इसे बिल्कुल वाइट भी रख सकते हैं, सिर्फ इस पे इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस पे है। तो मैंने आज इसे पिस्ते और केसर से गार्निश किया है। तो केसर के कुछ धागे इसके ऊपर रखे हैं और साथ ही पिस्ता रखा है और थोड़ा सा इस पे इलायची पाउडर डाला है। अभी इलायची पाउडर है जो थोड़ा सा हम उसके ऊपर डाल देंगे। अब एक स्टीमर तैयार करेंगे, इसे हमें स्टीम करना है। तो मैंने कढ़ाई के अंदर पानी डाला है, आप कुकर वगैरह किसी में भी डाल सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो जिस बर्तन में हम बना रहे हैं वो ऊपर की तरफ रहे, यानी आप नीचे स्टैंड लगा के भी रख सकते हैं। मेरा ये बर्तन पहले से ही ऊपर ही है पानी से, तो इसलिए मैंने स्टैंड नहीं लगाया है। अब इसे ढककर हमें 30 से 35 मिनट तक इसे पकाना है, और हमें बिल्कुल भी इसे छूना नहीं है, और गैस की आंच को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। तो 30-35 मिनट तक हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना इसे, तब तक ये अपने आप ही पक जाएगा। तो है ना इसे बनाना बिल्कुल आसान। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी दूसरी ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एड स्पाइसेज विद दीप्ति को विजिट कीजिए। अब देखिए 30 से 35 मिनट होने के बाद में ये बिल्कुल फूल के थोड़ा ऊपर आ जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से, और इसमें एक जाली सी बन जाती है। अब हम कोई टूथपिक या कोई भी स्टिक डाल के देखेंगे जिससे कि हमें लगेगा कि ये अंदर से कच्चा नहीं है। गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे।
ये देखिए इस समय ऐसी हिलती हुई कंसिस्टेंसी में ही रहेगा, क्योंकि जो चीनी है वो नीचे पानी के रूप में आ जाती है और ये बाकी जो दूध दही वगैरह है ये सब मिक्स होकर एक लेयर बन जाती है इसकी। जब हम काटेंगे तो ये दिखाई देगा। अब इसे ठंडा कर लेंगे, ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज वाला ठंडा करेंगे इसे। तो ये बनके हमारी मिठाई बिल्कुल तैयार है। देखिए नीचे पानी जूस जैसा है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है इसे बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।